तापड़िया ग्रुप लेकर आया है तापड़िया बिजनेस पार्क, ओनली फॉर कमर्शियल यूज। जमीन भी आपकी, छत भी आपकी, एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज नगर निगम की टीम ने शहर की रोड पर एक मानव श्रृंखला बनाकर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी और पूरा बल विशेष तौर पर स्वच्छता को लेकर रहेगा। इसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में पार्षदगण, नगर निगम के कर्मचारी, आम जनमानस शामिल हुए। आइए, महापौर ने क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। नगर निगम में किस प्रकार का आयोजन किया गया? देखिए, 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसके तहत आज यहाँ मानव श्रृंखला और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, जिससे कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक बने और उनको ये समझाइश भी दी गई है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग दें, जिससे कि उसका उपयोग हो सके, क्योंकि सारा कचरा इकट्ठा जाता है, वह उसका कहीं उपयोग नहीं हो पाता है, तो हम उसका खाद बना सके, इसलिए गीला सूखा कचरा पृथक पृथक करके दिया जाए, ऐसी समझाइश भी दी गई है और एक अच्छा मैसेज जाए सभी के लिए, उसके लिए आज ये एक मानव श्रृंखला का प्रोग्राम रखा गया। बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामों की जंजीरों को आजाद कराया। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा, हर वर्ष 100 अर्थ करूंगा। मैं ना गंदी मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, यह है कि वहां के ना इस विचार के साथ में शहर शहर और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ा है मेरा एक कदम, पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। आना चाहिए पूरी बनाना है। नगर निगम में किस प्रकार का आयोजन किया गया? नगर निगम में ये आयोजन जो है हमारा कार्यक्रम शासन से आया है सेवा पखवाड़े के रूप में, जिसको हम 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेंगे। इसके अंतर्गत जो शहर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वृक्षों का लगाना, उसके एक पेड़ माँ के नाम वाला कार्यक्रम, उसके बाद रिड्यूस वाले जो 3RR जो है उसके अंतर्गत भी जो पुराने कपड़े पुरानी चीज़ों को रिसाइकलिंग करके जनता को देना, जिसके पास अधिक हो गया तो वो वहाँ रख जाए कपड़े नेकी की दीवार में, तो गरीबों को उसका वितरण करेंगे। इस प्रकार से कई कार्यक्रम हैं
जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे शासन के दिशा निर्देश अनुसार। आज उसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अंदर मानव श्रृंखला बनाकर हमारे नगर निगम के अध्यक्ष द्वारा स्वच्छता संबंधी जो है सबको शपथ दिलाई गई। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सोमनाथ काले, मैं पार्षद MIC मेंबर नगर निगम का। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शहर के मध्य में अब अपने व्यवसाय को दीजिए नई ऊंचाइयां। तापड़िया बिजनेस पार्क में व्यवसाय के लिए कमर्शियल प्लॉट खरीदने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तापड़िया बिजनेस पार्क, पुराने पावर हाउस के पीछे, गुरुद्वारा रोड, खंडवा।